ये तो साफ हो गया, जो लाभार्थी है जिसको सरकारी अलग अलग कार्यक्रम का फायदा मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, जिसको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ हो रहा है आधार कार्ड में, क्योंकि ये पूरा जिस तरह का इसका जो सिस्टम है इसका डिजाइन में कमियां है, जिस तरह से अलग अलग संस्था इसका नियंत्रण कर रहे या प्रबंधन कर रहे हैं इसमें भी बहुत सारे कमियां, और एक तरह से जो कौन क्या करेगा इसमें लोगों को मालूम नहीं है क्या हो रहा है। सो अद्वैत लेट मी आस्क यू, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द आधार सिस्टम रिड्यूस द लीकेजेस इन डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स? दिस वाज व्हाट नंदन निलेकानी, ही वाज द को फाउंडर ऑफ इंफोसिस, ही हेडेड द UIDAI बिटवीन 2019 एंड 2009 and 2014. But we see huge design problems, no clear oversight mechanism, no ability to detect whether the fingerprints or the face of that person is real or not. And I am here looking at what they are claiming. UIDAI CEO सौरभ गर्ग जी कह रहे कि बहुत सारे गोस्ट बेनिफिशियरी जिनको लाभार्थी थे जिनको मिलना नहीं चाहिए उसको हमने हटा दिया, सरकार को 2,25,000 करोड़ पैसा बच गया। और उससे पहले आप जानते हैं हमारे राम सेवक शर्मा जी, वो एक समय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेड था, UIDAI के साथ उनका घनिष्ठ संपर्क है, 2008 में उन्होंने अपना आधार नंबर ट्विटर में डाल दिया, बोलो जो मर्जी करो, ये बहुत ही सुरक्षित स्थिति है। बट एज योर रिपोर्ट आज एज सोन देर आर टू मेनी प्रॉब्लम्स विद व्हाट्स हैपनिंग, यस योर व्यूज। सो एक तो गवर्नमेंट कहता है कि 2,15,000 का सेविंग्स हुआ है गवर्नमेंट के लिए आधार डीबीटी, 2,25,000 करोड़ 25,000 सॉरी 25,000 सेविंग्स हुआ है, अभी वो किस साल में हुआ है, कितने स्कीम में हुआ है, दो लाख पच्चीस हजार करोड़ प्लीज कंटिन्यू, सॉरी किस साल में हुआ है, कितनी स्कीम्स में हुआ है, ये डेटा तो हमारे पास नहीं है, वो तो एक बात है। सेकेंड थिंग इज एक तो फ्रॉड्स होते जा रहा है ये आधार पेमेंट्स में, दूसरा कि गवर्नमेंट कहता है कि सेविंग्स हुआ है क्योंकि अभी जो बैंक अकाउंट में पैसा जमा रहा है उसका एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, बट दी काउंटर प्रॉब्लम जो अभी है ये पूरा सिस्टम है वो एक्सक्लूजन्स या फिर निषेध, मतलब अगर आपको पैसा मिलना चाहिए, अगर आप मनरेगा का एक हिस्सा है या फिर आप पीएम किसान के लिए अप्लाई किया है, क्या आपको पेमेंट्स आ रहे हैं, क्या आपका आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा रहा है, तो रिसर्च कहता है कि इसमें भी प्रॉब्लम्स है क्योंकि आधार और बैंक का लिंकेजेस का जो कनेक्शन है उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। तो लास्ट मंथ द्वारा रिसर्च हैड पुट आउट अ सर्वे सेइंग दैट आउट ऑफ 40,000 पीएम किसान फार्मर्स 51% had Aadhaar bank related issues, मतलब आधा से ज्यादा जो प्रधानमंत्री किसान कार्यक्रम में कुछ ना कुछ समस्या हो रहा है, उनका आधार कार्ड के बैंक अकाउंट्स में उनके बैंक अकाउंट्स में पैसा जमा नहीं रहा है क्योंकि उसमें फेलियर हो रहा है। और आप लोकसभा में जो शोषण सरकार ने दिया था उसने बताया था कि कुछ 11,000 करोड़ गलती से दूसरे बैंक अकाउंट्स में गए, मतलब पीएम किसान में जो पैसे गवर्नमेंट किसानों के लिए जाना था वो दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट्स में गए थे जो किसान ही भी नहीं है। सो देयर इज अ सो माइट बी अ सेविंग्स बेनिफिट दैट द गवर्नमेंट सेज इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, बट द न्यू प्रॉब्लम इज एक्सक्लूजन्स, पीपल आर नॉट गेटिंग द मनी, people are outside the system now because their aadhars are not linked to the bank account, or as you pointed out there could be fingerprint issues, so
when they are going to scan their money, they are not able to withdraw the benefits. So there is now a counter problem which didn't happen before. If the problem before was ineligible people were getting the money, today eligible people are being pushed out of the system. Okay. And this has been documented widely by multiple researchers over the years, every year. And now because government is putting out data on all the scheme websites, researchers are able to look at scheme websites itself and so and being able to tally how many people are excluded. So Ashwin, aapke paas main aana chahta hoon. सरकार कह रहे तो हमारा कोई गड़बड़ तो नहीं, आज नहीं बार बार कह रहे, बोल रहे कि सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं बहुत साल से बोल रहे, मगर ये जो सिस्टम है हम देख रहे, भारत सरकार का सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो खुद कह रहे यूआईडीआई फेल टू इन्वोक इट्स ओन जो अपना क्षमता था, ये सारे जो ऑपरेटर्स है इसके ऑडिट करना नहीं किया, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बुनियादी ढांचा है इसका ऑडिट नहीं किया, जिस तरह से सिस्टम जिस तरह से प्रोसीडियर्स, तो ये देखिए एक तरह से सरकार कह रहे कि बड़े बड़े वाह रे वाह इतना अच्छा चीज भारतवर्ष में क्यों, पूरा विश्व में कहीं हम नहीं देखेंगे कि एक आधार कार्ड का इतने लोगों का फायदा हो रहा है, बट एज अद्वैत राइटली पॉइंटेड आउट इन एलिजिबल बेनिफिशियरीज एक्सक्लूजन पेंशन स्कीम, जो जो वरिष्ठ नागरिक है जिसको पेंशन मिलना चाहिए उनको भी नहीं मिल रहा है, हाई फेलियर रेट, और ये थर्ड पार्टी है, ये है बैंकिंग जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, और आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप जाइए आप शिकायत कीजिए, और शिकायत का क्या 5 दिन है बैंकों का, NPCI बोल रहा है बैंक को 5 दिन हम दे रहे, आप ये शिकायत का कोई जांच कीजिए इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और जो बैंक है उसको 10 दिन मिल रहे कि आप बताइए कौन जिम्मेदार है, हु इज लायबल, बट द सिस्टम सीम्स टू बी डीपली फ्लॉड, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ बैड एक्टर्स, नॉट सिर्फ ये नहीं है कि लोग धोखा दे रहे चोरी कर रहे, मगर पूरा सिस्टम का जो डिजाइन है इसकी कमी आएंगे, इस विषय के ऊपर आप कहिए पहले अश्विन, और आप भी जोड़ दीजिए इसके बाद श्रीनिवास जी। परंजय एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो आपने फ्रॉड लायबिलिटी NPCI के गाइडलाइन जो 5 दिन और 10 दिन उसकी बात करी, ये इंट्रोड्यूस हुआ था सितंबर 2021 में, और मतलब लगभग 10 साल APS ऑपरेट हुआ, तब तक कोई NPCI ने कोई फ्रेमवर्क नहीं निकाला था कि इस कोई अगर इसमें फ्रॉड हो जाए कोई दिक्कत हो जाए तो कैसे कोई कस्टमर उसको रिजॉल्व कर सकता है। 10 साल ऑपरेट करने के बाद NPCI ने सितंबर 2021 में ये फ्रॉड लायबिलिटी गाइडलाइंस निकाले थे। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि मैंने बात करी जो ऑपरेटर्स है बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स है वो ये कह रहे हैं कि अभी तक बैंक्स ने वो अभी तक इम्प्लीमेंट करना चालू नहीं करा, ऐसा बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस देखे है जहां पे ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, तो वो पहली चीज मैं आप ऐड करना चाहूंगा आपके सवाल पे। और सिर्फ एक्सक्लूजन की बात नहीं है, बात हाई प्रोफाइल स्कैम्स की भी है, जो गवर्नमेंट का दावा रहा है कि करप्शन और लीकेजेस खत्म हो गया है इसके वजह से, पर हमने देखा है जैसे झारखंड में जहां स्कॉलरशिप जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप मनी मिलना था उसमें से करोड़ों जिसका कोई अकाउंट भी नहीं है। सरकार बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी, भारत सरकार बोल रहे इसका कोई चोरी नहीं हुआ, किसी ने चोरी नहीं किया, कोई ब्रीच नहीं हुआ, बहुत अच्छी तरह से डिजाइन है, अच्छे रोबस्ट है, ये सब बात करते हैं सरकार। आप जैसे देखिए आपने जैसे इन्वेस्टिगेशन किया, आपने खोजी पत्रकारिता किया, ये तो सारे वादा ही है, ये तो सच नहीं है। पर ऐसे तो मतलब जैसे इंडियन एक्सप्रेस का पिछले साल का इन्वेस्टिगेशन था, 3 सीरीज का इन्वेस्टिगेशन था जो ट्रिब्यून, उसे ट्रिब्यून भी किया था। ट्रिब्यून आपको याद है, आपको याद है जैसे सब सबका नाम मैं देता था कि ये जनहित में है, बालाजी प्रिंट, इंस्टेंट प्रिंट, A to Z प्रिंट, हर्षित प्रिंट, वेस्टकार्ट प्रिंट, अरे 300 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, 1000 रुपया दीजिए, आप पता नहीं कितने लोगों का आधार का सारे सूचना आपको मिल जाएगा। तो हम बिल्कुल, और तो हम यही देख रहे हैं अभी 10 साल से आधार ऑपरेशनलाइज हुआ है, इतने इतने टाइम से रिसर्चर्स
एक्टिविस्ट इन्होंने बताया है कि इसमें अलग अलग लूप होल्स है, इश्यूज है, और हम अभी क्या देख रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में खास के जो पैंडेमिक के दौरान एईपीएस पे जो ट्रैफिक है, जो डिपेंडेंसी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। APS और जो मतलब आधार एनेबल्ड पेमेंट स्कीम, पेमेंट सिस्टम बिल्कुल, उसपे उसपे डिपेंडेंसी बढ़ गया है, जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, जितना जितना पैसा उसपे ट्रांजैक्ट हो रहा है, उसका वॉल्यूम हर साल एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। तो ये लूप होल्स जैसे फ्रॉडस्टर गेम कर सकते हैं, जो क्रिमिनल गैंग्स है वो गेम कर सकते हैं, वो भी उसकी भी अलग अलग, जो जैसे श्रीनिवास ने बताया कि क्या क्या लूप होल्स है, उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और पैसे चुरा सकते हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि उसका भी स्कोप है, वैरायटी है, वो भी बदल रहा है और बहुत ज्यादा स्केल में ये चीज हो रहा है। तो जो डेटा गवर्नमेंट ने दिया है लीकेजेस के ऊपर, मतलब ये पूरा पिक्चर नहीं है, और इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं जिसके बारे में सरकार को बात करनी चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, और यू नो इतने सारे लूप होल जो प्लग करने चाहिए, जिसके बाद शायद वो ऐसा दावा दे सकते हैं कि हमने कुछ बढ़िया चीज करी है समाज के। श्रीनिवास जी, अभी अभी जो अद्वैत और अश्विन ने कहा, आप और कुछ जोड़ने चाहेंगे उन्होंने जो जो कहा, और सीएजी का जो रिपोर्ट है, कैग का जो रिपोर्ट आया है? देखिए, सीएजी कैग का जो रिपोर्ट है वो आधार एक्टिविस्ट जो है 10 साल से जो कह रहे हैं उसको विंडिकेट करता है। जो कोर्ट गए थे सारे पिटिशनर्स, उनको विंडिकेट करता है और ये कहता है कि नंदन निलेकनी ने सबको फूल कर दिया, आधार जो चीज है आधार की वजह से। नंदन निलेकनी जी को सब लोग अभी टिप्पणी कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपने हमें और कुछ समझाया उनको। तो देखिए, आधार जब आया है 2009-10 में आया है, तब तो रिसेशन चल रहा था, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद पूरी आईटी सेक्टर को कुछ नया प्रोजेक्ट चाहिए था, तो आधार बोले आधार कर दीजिए सब ठीक हो जाएगा। उनका लाइफ तो ठीक हो गया पूरा आईटी सेक्टर का। अब उनके सारे प्रॉब्लम्स जो है सॉफ्टवेयर के प्रॉब्लम्स, वो हमारे लाइफ में आ गए। अब इसका कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, ना ही नंदन निलेकनी ले रहा है, ना ही उनका ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने सेटअप किया है, राम सेवक शर्मा जी नहीं ले रहे हैं, नहीं हमारा अपना भी अभी जो सीईओ साहब आए हैं, नया सीईओ साहब है वो भी सौरभ गर्ग जी, कोई कोई जिम्मेदार नहीं, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। ये पहले से यही था, आप पहले से पूछेंगे नंदन निलेकनी को आधार क्या है, ये नंबर है, कार्ड है, कुछ नहीं पता है। अभी नया कार्ड ला रहे हैं, पीवीसी कार्ड होलोग्राम के लगा। एक मिनट, मैं आ रहा हूं इस विषय के ऊपर, मगर उससे पहले रास्ता क्या, सामने आगे क्या है ये हम आएंगे, मगर एक तरह से ये अद्वैत और अश्विन का लेख में इन्होंने एक भाई साहब का कोटेशन दिया हमें बहुत, आनंद वेंकट नारायणन, जो एक डीप स्ट्रैक्ट करके एक संस्था के साथ उनका संपर्क है, उन्होंने बोला डिजाइंड दिस होल आधार सिस्टम डिजाइंड बाय अ प्रिविलेज्ड एलीट विद अ पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी रिजल्टिंग इन द रिस्क्स ऑफ फ्रॉड गोइंग अप अमंग द पुअर द वल्नरेबल एंड अ फ्लॉड आइडिया व्हिच हैज बीन सॉट टू बी मेड यूनिवर्सल। मतलब हम लोग आराम से बैठ रहे हैं, हम एयर कंडीशन कमरे में बैठ के कह रहे हैं कि हाँ जो हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा, जो अनपढ़ व्यक्ति है उनका फायदा होगा, मगर सचमुच नहीं हुआ। इस विषय के ऊपर कहिए, इसके बाद आपको एक और सवाल उठाऊंगा और हम दोनों से बल्कि हमारा जो बातचीत है ये रास्ता क्या है सामने। देखिए, जो ये टेक्नोलॉजी है ये काम नहीं कर रहा है ना, तो हर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सिस्टम जब डिजाइन कर रहे हैं तो एरर कोड्स बोल के एक सिस्टम के अंदर ही डिजाइन करके रख किया जाता है। आधार के लगभग 80 से 90 एरर कोड्स है। इतने डिफरेंट तरीके से ये फेल हो सकता है और ये सिर्फ आधार का है। अब आधार और बैंकिंग का एरर कोड्स जो है
वो तो 2018 तक आरबीआई ने उसको क्लासिफाई करना भी शुरू नहीं किया, ठीक है। अब 80-90 वे सब आधार फेल हो सकता है, तो आप सोचिए कितने टाइप ऑफ फेल्योर है उसका फेल्योर। और मैं एक सूचना दे रहा हूं, 10 साल पहले एनपीसीआई जब ये लॉन्च किया, उन्होंने खुद कहा कि सिर्फ डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो लाभार्थी के लिए जो कार्यक्रम है, ये जो आधार का जो ब्रिज पेमेंट सिस्टम है केंद्र सरकार राज्य सरकार, इसमें 8700 करोड़ जी। आई मीन ये सिस्टम जो है इतना कॉम्प्लेक्स भी है, अगर आप बोल रहे हैं इतने नंबर्स है, इतने टाइम, इतने टाइप्स, इतने तरीके से फेल हो सकता है, तो सोचे कितना कॉम्प्लेक्स है। और डिजाइन, ये पूरा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिजाइन आधार की डिजाइन पे है। अब ये जो लोगों ने इसको डिजाइन किया, जब डिजाइन करते समय बाकी लोग उनको एडवाइस दे रहे थे कि आप ये मत करिए, बायोमेट्रिक्स मत करिए, पूरे ओपन लेटर्स लिखे गए थे, कुछ नया नहीं। ये पूरा सिस्टमिक डिजाइन जब हुआ, सिटीजन पार्टिसिपेशन को अलाउ नहीं किया गया था, पूरा टॉप डाउन अप्रोच था, जैसे आनंद जी जब उनके कोर्ट में बता रहे थे कि लोग एसी रूम में बैठ के कर रहे थे, नीचे क्या हो रहा था किसी को पता नहीं था, कई जगह इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, कई जगह आप बता रहे थे ना मजदूर किसान जिनके अंगूठे काम नहीं करते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं होता है मशीन से, वे सारे बहुत सारे प्रॉब्लम थे। लेप्रेसी पेशेंट्स हैं, लेप्रेसी पेशेंट का उनका स्किन वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट्स काम नहीं है, तो आयरिस लाए तब, अब आयरिस ये दोनों भी काम नहीं कर रहे, फेशियल रिकॉग्निशन आ रहे हैं। तो ये आधार जो है ना एक एक्सपेरिमेंट है, कहीं और किया नहीं गया है, हमें बताया गया है कि ये सबसे अच्छा चीज है, बट किन के लिए ये नहीं बताया गया। नहीं, आप साफ होगी, हमारे देश के जो गरीब व्यक्ति है, जो अनपढ़ व्यक्ति है, उनके लिए बोला आपके फायदा के लिए सब हो, मगर आज हम देख रहे उनका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जी, मैं ये बोल रहा था कि फायदा जो हुआ है आईटी सेक्टर का हुआ है, सारा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, इंफोसिस, टीसीएस इनको गया है, और सारे उसके प्रॉब्लम्स जो है लोगों को आया, आम आदमी के पास आया। देखिए दो दो विषय ऊपर, एक देखिए यूआईडीआई अपना जो नेटवर्क एजेंसी को 25 अप्रैल को एक चिट्ठी भेजा, बोलिए बायोमेट्रिक्स डाल दीजिए, एडिशनल फिंगरप्रिंट दीजिए, एक नया लाइसेंस चेक होगा, नया प्लास्टिक कार्ड होगा जिसमें होलोग्राम होगा, बोल रहे कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपका ईमेल आईडी बताइए, ये मोबाइल आपका जो दूरभाष यंत्र का नंबर दीजिए, उसमें ओटीपी आएगा, फिर बोलिए आपका मास्क करिए, आपका आधार का कॉपी जो आखिरी जो चार नंबर है वही दिखाएंगे, बाकी नंबर नहीं दिखाएंगे, ये वेबसाइट से दोबारा डाउनलोड कीजिए, आप बायोमेट्रिक को लॉक कर दीजिए कुछ समय के लिए या सारे समय के लिए, और फिर बाद में जब जरूरत पड़ेगा अनलॉक करेंगे, हम बैंक का खाता खोलना चाहिए अनलॉक। और एक और चीज बोला, यूज वर्चुअल आइडेंटिटी, यूजर वाई वर्चुअल आइडेंटिटी, ये केवाईसी की तरह नहीं है, आपका 16 डिजिट का नंबर है, आज आधार में आपका 12 अक्षर है, इसमें 16 आएगा, ये भी बदल सकता है, मगर ये सारे अभी लोगों को बता रहे, आम आदमी जो एकदम परेशान हो गया, इतना जटिल पूरा सिस्टम बना दिया, आपका फ्रॉड रोकने के लिए आपको ये सारी चीज करना पड़ेगा, आपको मालूम ही नहीं है क्या करना है कैसे करना है। श्रीनिवास जी, परंजे जैसे आनंद जी बोल रहे थे, पूरा डिजाइन का प्रॉब्लम, राइट, वर्चुअल आधार जो है 2017 में आया था मास्ट आधार के साथ, ये इसलिए आया था कि हम बताए थे 13 करोड़ इंडियन लोगों का आधार नंबर लीक हो गए थे, इसमें प्राइवेसी के कंसर्न थे, फाइनेंशियल फ्रॉड के कंसर्न थे, उसके रिएक्शन पे इन्होंने वर्चुअल आईडी मास्क आधार लाया गया था। 2010 में जब ये प्रोग्राम शुरू किया तब से बता रहे थे कि प्राइवेसी का इश्यू है, समझे नहीं। 2017 निजता, हिंदी में आप कहेंगे निजता जी, 2017 में जब उनको दिख गया कि 13 करोड़ इंडियन का सारे नंबर, नाम, फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर ऑनलाइन है, लीक हो रहे हैं,
तो सडनली उनको याद आया कि इसका ना प्राइवेसी ऐड करना है अभी इसमें, तो वर्चुअल आईडी लाए, मास्क आधार लाए, पर तब तक बहुत सारे लोगों को आधार कार्ड जो है ना पोस्ट ऑफिस से भेज दिए, सब यूज करने लगे। अब कह रहे हैं कि आप ना आप इसमें प्राइवेसी कम था, पहले निजता कम था, अब हमने इसमें ऐड कर दिया है निजता को, अब इसको निजता के रूप में आपको यूज करना है तो अपना मास्क आधार पर यूज करिए। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, 2017 में जो सीएजी रिपोर्ट में लिखा हुआ है एक सर्कुलर इशू किया कि आपका रजिस्टर होना चाहिए, आपका सारे डिवाइस, आपका जितने सारे आप सूचना, आप द इंफॉर्मेशन दैट यू आर कैप्चर, जो सर्कुलर के पहले जितने सूचना आपके पास था वो क्या होगा? सो 2017 में ये सर्कुलर इसलिए आया था क्योंकि आपके अंगूठे जो हैं ये आपने एक बार रिकॉर्ड किया तो वो आपके सिस्टम में रख के उसको फिर से रिप्ले कर सकते हैं, यानी जैसे आप वीडियो आगे पीछे करेंगे तो आपके अंगूठे को भी दो तीन बार यूज कर सकते हैं, तो उस अटैक, ये एक अटैक था, रिप्ले अटैक, इसको रोकने के लिए वो सर्कुलर लाया गया था, राइट? पर उसके पहले जो ट्रांजैक्शंस हुए, वो डेटा हुआ, उसका कुछ नहीं है अभी भी। इसलिए आप एनआरसी की बात होता रहता है ना, एनपीआर की बात होता रहता है, और हमेशा अगर आप 3 साल में आधार अपडेट नहीं कर रहे हैं तो उसको डीएक्टिवेट किया जाता है। द ओनली वे द सिस्टम वर्क्स इज कि हमेशा आप उसके पास वो अपडेट होता जाता है और उसके साथ आपको भी अपडेट होना पड़ता है। अगर आप वो नहीं करेंगे, आम आदमी कैसे करेंगे? एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब महिला, एक वरिष्ठ नागरिक, एक अनपढ़ व्यक्ति कैसे करेंगे? ये आम आदमी के सोच के क्रिएट नहीं किया गया था, इसको कोई देश में, विदेश में अमेरिका के सिटीजन को आईटी इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया में एक्सपेरिमेंट किया गया था। आपने एकदम साफ कह दिया। लेट्स हैव द पार्टिंग वर्ड्स, फाइनल वर्ड्स फ्रॉम यू। सो लेट मी आस्क अश्विन, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? क्या करना चाहिए भारत सरकार को? हमने सारे जो विषय है, हमने इस विषय के ऊपर बातचीत किया, अब क्या है, क्या करना चाहिए सरकार इस विषय के ऊपर? अब दो चार बात कीजिए, उसके बाद में अद्वैत को भी यही सवाल पूछूंगा। जो पहली चीज है, आई मीन श्रीनिवास ने अभी इतने डिटेल में समझाया कि क्यों आधार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एलीट्स ने बनाया, और जो एलीट कहेंगे, जो जिसके पास क्षमता है, जो हमारे देश के जो जिसके पास पहुंच है। हाँ, प्लीज गो ऑन। बिल्कुल बिल्कुल, पर अभी जो अभी का जो सिनेरियो, उसकी सच्चाई ये है कि बिल्कुल अब सिस्टम में इंटीग्रेट हो गया है, लोग यूज कर रहे हैं, करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहली चीज जो, और ये ओपिनियन है जो मोस्टली जो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स है जो फील्ड में काम करते हैं, उनका ओपिनियन ये है कि एक प्रोविजन होना चाहिए कि उनका जो 10 लाख से ऊपर बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट है, उनके लिए एक रेगुलेटर होना चाहिए, उनके लिए एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए जो मतलब लास्ट माइल उसे काम कर रहे हैं। एक मिनट सर जी, उसका आपका आंकड़ा लिखा है 1.84, मतलब 18 लाख बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट है, बिजनेस 18 लाख नंबर यही होगा। हाँ जी, तो जो 18 लाख बैंकिंग कर रहे हैं, छोटा मोटा नंबर नहीं है। और ये अभी कैसे काम होता है कि बैंक्स अपने कॉन्ट्रैक्ट सेट करते हैं, आउटसोर्स करते हैं अपने हिसाब से, तो उनके लिए एक अलग सिस्टम होना चाहिए उनका रेगुलेशन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आरबीआई उनको कैसे बैंक के थ्रू रेगुलेट करता है, आरबीआई बैंक्स को बताता है कि आप अपने बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट को ऐसे काम करने के लिए बताइए, बट कोई बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स का खुद नहीं सुनता कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है या वो क्या सुन रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि जो एम्पैनलमेंट क्राइटेरिया है बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स के लिए, कि बैंक किसको हायर कर सकते हैं एज अ बैंक, ये 2012 में लास्ट अपडेट हुआ था इसका, उसके बाद तो उसके बाद से जो ईपीएस सिस्टम है, जितना सिस्टम है, जितना इंपॉर्टेंट हुआ है, जितना वाइड स्प्रेड हुआ है, और जितने बैंकिंग का रिस्पॉन्ड, तो मोस्टली हम देख रहे हैं जो फ्रॉड्स भी हो रहे हैं ईपीएस के थ्रू, जो आधार पेमेंट्स के थ्रू फ्रॉड्स हो रहे हैं, काफी हद तक बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स
के साइड पे, क्योंकि वो मतलब लेजिटिमेट एक्टर नहीं है या फिर उनकी खुद ही नीयत खराब है, वो आपका जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस बैंक, उसके से आप पैसा अगर बैंक के खाता में जमा करेंगे या पैसा वापस लेंगे या एक बैंक का खाता से दूसरी जगह, बेसिकली डिपॉजिट विड्रॉल ट्रांसफर, तीनों में कमियां है बहुत सारे हमारे, बिल्कुल। तो बहुत सारी चीजें जिस जहां पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जो पर पहली चीज है जो करनी चाहिए वो है कि इंश्योर कि बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट जो है, जो ये सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं गरीबों को, कि उनकी सुपरविजन, उनकी जो समस्या है और उनके जो इश्यूज है वो रिजॉल्व किया जाए या उसको सही तरीके से एक एटलीस्ट एक प्रोसीजरल इंटीग्रिटी हो उसको समझने के लिए। ओके अद्वैत, रास्ता क्या है सामने? तो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस का योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन दिस कन्वर्सेशन। सो व्हाट अश्विन सर इज करेक्ट, वी शुड हैव डायरेक्ट रेगुलेटर फॉर बैंकिंग करेस्पॉन्डेंस, नॉट अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, समवन हु कैन हॉल देम अप, फाइंड देम, पेनलाइज देम इन केस ऑफ प्रॉब्लम्स। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस डोंट रियली वर्क इन एनी इंडस्ट्री वी सीन, स्पेशली इन फाइनेंस इन इंडिया। एज फार एज आधार इज कंसर्न्ड, देयर इज नो वे टू सेव इट, इट इज अ डेड idea, it is completely flawed. You will have to redesign an entirely new digital identity system. Hum sabko fir se re-enroll karna padega, fir se naya identities leke jana padega. Biometric, please tell that to Mr. Nandan Nilekani, Mr. Saurabh Garg, Mr. Ram Sevak Sharma, jisko bhi sunna hai sunne do, matlab nahi hamare ye karyakram hum jan hit mein kar rahe hain, logo ko agar humko नया आइडेंटिटी लेके आना, सरकार को नया आइडेंटिटी लेके आना, वो बायोमेट्रिक्स सिर्फ नहीं होना चाहिए, स्मार्ट कार्ड होना चाहिए, ब्लॉकचेन होना चाहिए। बहुत न्यू टेक्नोलॉजीज है जो इस्तेमाल कर सकते हैं हम, पर उसके लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा होना चाहिए, वो तो 5 साल लगेगा। नए इस बार हमको लीगल लॉज लेके आना पड़ेगा, पहले फिर एनरोलमेंट करना है, आधार में एनरोलमेंट हुआ है पहले फिर लॉज लेके आए 5-6 साल के बाद। सो अगर हमको इस आइडेंटिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो नया आइडेंटिटी लेके आना है, पर अगर हमको फ्रॉड सॉल्व करना है तो रेगुलेटर लेके आना है, और जो गरीब लोगों के लिए जो है उनको लिए एक नेशनल हेल्पलाइन या नेशनल सिस्टम, इजी टू यूज सिस्टम है जो वहां रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी भी एनपीसीआई ने एक हेल्पलाइन लेके आया है, पर क्या लोगों को पता है कि वो नंबर क्या है, वो क्या उनको ठीक से बताया जाता है कि ऐसे कंप्लेंट्स डाल सकते हो, कंप्लेंट्स 2-3 दिन में रिजॉल्व होता है कि नहीं, हमको नहीं पता है। थैंक यू अद्वैत। आखिरी आखिरी बात श्रीनिवास जी कहेंगे, आप तो विशेषज्ञ है, आप आज नहीं बहुत साल से इस विषय के ऊपर आम आदमी सबकी दृष्टि आकर्षण करने का आप कोशिश कर रहे हैं, आप जैसे व्यक्ति का बात तो सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज एक के बाद एक फ्रॉड हो रहा है, एक सर्कुलर कर रहा है, दूसरे सर्कुलर आ जाए 2 दिन के बाद, सीएजी ने टिप्पणी कर रहे, आलोचना कर रहे, आप बताइए क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या संभावना क्या देख रहे हैं आप? मैं सिर्फ एक वार्निंग के साथ एंड करना चाहता हूं कि कोई भी आप कैसे भी डिजाइन किए, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करिए, फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट, स्मार्ट कार्ड, जब आप आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं जिसको आपको सारे आईडी कार्ड से लिंक करना है, फोन नंबर से लिंक करना है, बैंक अकाउंट से लिंक करना है, आपके लैंड रजिस्ट्री से लिंक करना है, सबसे लिंक करना है, ये काइंड ऑफ जो डिजाइन होगा, आप ब्लॉकचेन लगा दीजिए, फेशियल रिकॉग्निशन लगा दीजिए या कोई और नया टेक्नोलॉजी डाल दीजिए, ये सब गवर्नमेंट मिसयूज ही करेगा सर्वेलेंस की तरफ, और उसी का डिजाइन की वजह से अब एनआरसी की बात चल रहा है आज। चलिए, वो एनपीआर जो है, आधार एनपीआर एक ही ईयर में आया है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल सिटीजंस रजिस्टर की हर नागरिक का जो पंजीकरण, जो सरकार चाह रहे हैं कभी कभी बंद कर देते हैं बात, कभी भी शुरू करते हैं। तो हमारा वक्त अभी खत्म हो गया, आप तीनों को, हमारा तीनों मेहमान को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बार बार मैं कह रहा हूँ ये कार्यक्रम जनहित में हम बना रहे हैं,
जनहित में हम किया। आम आदमी को मालूम पड़ना चाहिए ये जो पूरा आधार का जो सिस्टम है, जो पूरा जो व्यवस्था है, इसमें कितना कमियां है। और एक तरह से अगर आम आदमी इस बारे में बात नहीं करेंगे, लोगों का दृष्टि आकर्षण नहीं करेंगे, तो ये आधार का जो सिस्टम है इसका दुरुपयोग होगा और इसका असर पड़ेगा सबसे कमजोर, सबसे गरीब लोगों के। मैं आप सबको सतर्क करना चाहता हूं, हमारा विशेषज्ञ आपको बताया क्या क्या समस्या है, और आप सब देखते रहिए न्यूज क्लिक। नमस्कार, धन्यवाद। आप चैनल में सब्सक्राइब कीजिए और न्यूज क्लिक आप देखते रहिए।